दोस्तों, स्वागत आप लोगों का एक बार फिर से टेक्निकल प्रोपेज यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग सीख रहे हैं द वेब डेवलपमेंट क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं CSS में किस तरह से हम लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर दोस्तों, जैसे कि आप लोग मेरी लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मेरे पास टोटल 3 फोल्डर है। हमने पहले के वीडियो में 2 ही फोल्डर बनाए थे, एक था CSS का, एक था HTML का। लेकिन मैंने एक और यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया है, वो है फॉन्ट्स का। मैंने इससे पहले फॉन्ट्स के ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया है मेरे चैनल पर, आपको लिंक आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैं आप लोगों को 1000 प्लस फॉन्ट्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। सो वो जाकर डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को वो चाहिए तो वो वाला वीडियो देख कर डाउनलोड कर लीजिए उसे। एंड अगर आप लोगों को मेरे पास जो ये 5 फॉन्ट है, जो ये 5 फॉन्ट है, ये यही 5 फॉन्ट्स चाहिए आप लोगों को, सो इसकी लिंक की भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। ओके, सो ये 5 फॉन्ट भी आप ले सकेंगे। और ये आप लोग जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं, जिस फोल्डर को आप लोगों ने ओपन किया है, जैसे कि हमने जो एग्जांपल नाम का फोल्डर है वो हमने हमारे विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर में ओपन किया है, सो उसी के अंदर आप लोगों को ये फॉन्ट वाला फोल्डर है वो क्रिएट करके ओपन करना क्रिएट करना है। एंड उसके अंदर आप लोगों को जो भी आपको मनपसंद फॉन्ट्स हो वो आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। सो चलिए चलता हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देखते हैं किस तरह से इसे हम एडिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी फोल्डर दिख रहा है फॉन्ट्स वाला। सो अभी हमारा जो style.css है उसमें हमने कलर रेड करा था, सो ये रहा उसका आउटपुट, रेड कलर में लिखा है टेक्निकल क्रूपेश, एक को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो अभी हम लोगों को इसमें इसका फॉन्ट को चेंज करना है। सो वो किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमें एक अलग से नई CSS फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो चलिए क्रिएट करते हैं, ये इजी ट्रिक है इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं fonts.css। ओके, ऐसा हमने इसका नेम दे दिया एंड यहाँ पर ये fonts.css क्रिएट हो चुकी है। सो अभी हमें इसमें एक टैग क्रिएट करना है जिसका नाम है फॉन्ट फेस। सो यहाँ पर आप लोगों को Shift+2 क्लिक करके एक @ ले लेना है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है font फॉन्ट फेस, जैसे कि आप लोग टॉप पर देख रहे हैं, उसके ऊपर एंटर प्रेस करना है एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स ले लेने हैं और उसके अंदर आप लोगों को लिखना है font-family। आप टॉप में आ चुका है ये। ओके, और इसमें आप लोगों को कौन से फॉन्ट फैमिलीज लिखना है, जहां पर जो ये 5 है उसका नाम लिखना है, या फिर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। बिकॉज मैं ये नाम लिख रहा हूँ जो फॉन्ट का नाम है वही, बिकॉज थोड़ा सा इजी रहेगा चूज करने में फॉन्ट्स को। ओके, सो फिलहाल हम एबल के लिए कर रहे हैं, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एबल। ओके, एबल लिख लिया एंड देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है उसका सोर्स, यानी कि src। ओके, उसके बाद यहाँ पर URL एंड URL में आप लोगों को सिंगल कोट में लिखना है, सिंगल कोट क्रिएट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर double dot एंड देन slash, और यहाँ पर आप लोगों को फॉन्ट का फोल्डर चूज करना है एंड यहाँ से एबल एंड एबल regular.ttf को चूज करना है एंड देन इसे हम सेव कर लेते हैं। और अब हम इसको एक कमांड भी दे देते हैं, कमेंट दे देते हैं, इसको हमने 2 एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पर हम इसे कमेंट देंगे, यानी कि स्लैश एंड देन स्टार क्रिएट करना है आप लोगों को। और यहाँ पर इसका हम कमेंट देंगे
कमेंट लिखना है वो लिख लेना है, और फिर आप लोगों को फिर से एक और स्टार एंड देन स्लैश ये बन चुकी है हमारी कमेंट, ओके। और अब हमें यहाँ पर इतना सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आप लोगों को इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। सो उसके लिए आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड में एक शॉर्टकट है, क्या करना है आप लोगों को, अल्टर शिफ्ट एंड देन डाउन की। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पूरा सिलेक्ट होकर नीचे आ चुका है। सो ऐसे हमारे, और अब हमें इसका सिर्फ नेम ही चेंज करना है। यहाँ पर मैं एबल से चेंज करके एंटोन कर देता हूँ, एंटोन। उसके बाद जो फॉन्ट फैमिली है उसका भी नाम चेंज कर देते हैं, एंटोन, ओके। एंड अब इसका जो सोर्स है वो भी हम चेंज कर देते हैं, और इसमें हम जाएंगे एंटन में एंड एंटन रेगुलर डॉट टी टी एफ, ठीक है। ये हो गया चूज यहाँ पर, और अब हमें यहाँ पर इसे इसका सोर्स हम शुरू से करते हैं चेंज, ठीक है। फिर से यहाँ पर सिंगल काउंट्स एंड देन इस तरह से, और फिर डबल डॉट स्लैश फॉन्ट्स एंटन एंटन रेगुलर डीटीएफ। यहाँ पर हम तीसरा है नाम उसको हम चेंज कर देते हैं जोसेफिन, ओके। इसका नाम हमने जोसेफिन रखा है, और यहाँ पर उसकी फॉन्ट फैमिली का नेम भी हम वही रखेंगे, और उसके बाद हम इसका सोर्स भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डबल डॉट स्लैश फॉन्ट्स, उसके बाद जोसेफिन सैंस एंड देन। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे फॉन्ट्स आप यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेगुलरली चूज करता हूँ, आपको जो भी फॉन्ट अच्छे लगे वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ फॉन्ट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेक्शन, और फिर से यहाँ पर वही नेम डाल देंगे यहाँ पर भी हम, ओके। और इसका सोर्स भी चेंज कर लेंगे, डॉट डॉट स्लैश फॉन्ट्स, उसके अंदर लेक्शन देखा और रेगुलर, ओके। और जो फिफ्थ फॉन्ट है उसका नेम हम लोग क्या रखने वाले हैं, लिविक, ओके। एंड देन उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, आप कोई भी फॉन्ट फैमिली रख सकते हैं यहाँ पर, आपको जो अच्छा लगे वो वाला, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही करें कि जो फॉन्ट का नेम है वही रखे, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम कौन सा फॉन्ट रख रहे हैं यहाँ पर, लिविक। एंड देन यहाँ से यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कितने सारे हैं, लेकिन यहाँ से मैं रेगुलर ही लेता हूँ, ओके। सो ये बन चुका हमारा पूरा का पूरा CSS फाइल हमारी हो चुकी है ये, ठीक है। और अभी हमको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी साइड में आप लोगों को कोड बाकी हो वो आप दे देना, और फिर अब हमें इसे सेव कर लेना है। सेव हो जाने के बाद हमें style.css में आना है, एंड यहाँ पर हमें जो CSS फाइल है उसको CSS फाइल के साथ लिंक करना है, वो हम किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। हमने CSS को HTML के साथ तो लिंक करना सीख लिया है, बट अब CSS को CSS के साथ लिंक करना है वो कैसे करेंगे ये जान लेते हैं हम। सो यहाँ पर उसके लिए हमें Shift प्लस 2 यानी कि @ लेना है, एंड देन यहाँ पर हमें लिखना है import, ओके। फिर स्पेस देनी है, एंड यहाँ पर हमें राइट करना है URL एंड देन
सिंगल कॉल्स। इसमें यहाँ पर हमें सिंगल क्वोट पे लिखना है, इसका सोर्स यानी कि .slash और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं .css, यही हमें चूज करना है और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ओके, इतना कर लेने के बाद हमें अब फॉन्ट चेंज करना है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बावजूद भी ये फॉन्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। सब फॉन्ट किस तरह से हम चेंज करेंगे, यहाँ पर H1 में हमें फॉन्ट रखना है एबल हमें रखना है। सो उसे रखने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉन्ट डैश फैमिली। ओके, एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे एबल, जो आपने नाम यहाँ पर दर्शाया हो, यहाँ पर लिखा हो एबल, तो वही नाम वहां पर डालिए। यहाँ पर आप लोगों ने XYZ लिखा हो तो वहां पर फॉन्ट फैमिली XYZ रखना। ओके, जो नाम यहाँ पर वो नाम वहां पर होना चाहिए स्मेल CSS में। यहाँ पर हमें सेव कर लेते हैं इसे, एंड देन यहाँ पर आके फिर से हम इसे रिफ्रेश करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं फॉन्ट बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। इस तरह से आप लोग फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हम दूसरे फॉन्ट्स भी यहाँ पर ट्राई करते हैं, जैसे कि एबल के बाद आ चुका है एंटोन। ओके, सेव किया इसे, इसे फिर से आकर रिफ्रेश किया, सो आप लोग देख सकते हैं एंटोन में ये आ चुका है। और मैंने आप लोगों को 1000 प्लस का जो फॉन्ट का पैक दिया है वो 1000 यहाँ पर आप इंपोर्ट नहीं करने, वरना आप लोगों को जो font.css है उसमें कोडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप लोग सिर्फ font.css में वर्क करते रहेंगे, style.css में वर्क करना ही बाजू में रह जाएगा। इसलिए कुछ आपको उस उनमें से कुछ 5 या 10 फॉन्ट ऐसे चूज कर लेने हैं जो आपको अच्छे लगते हो, वो ही चूज करें। सारे के सारे चूज करेंगे तो आप लोगों को इसी तरह से 1000 प्लस फॉन्ट का इसी तरह से कोडिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने उनमें से कुछ 5 फॉन्ट अच्छे हैं वो मैंने चूज कर लिया और उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अब भी कोई 5 या 10 फॉन्ट चूज करें। अब यहाँ पर हम इसका फॉन्ट फिर से चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लगते हैं जोसेफिन। ओके, सेव कर लिया इसे, एंड यहाँ पर आकर फिर से रिफ्रेश करते हैं। सो ये जोसेफिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद आता है लेक्सेंड। ओके, लेक्सेंड LEXEND T। ओके, कंट्रोल S एंड देन यहाँ से कंट्रोल R। सो ये लेक्सेंड में कन्वर्ट हो चुका है। और अब जो लास्ट है फॉन्ट वो है लिविक, और इसे हम सेव करते हैं एंड देन यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। सो ये लिविक में चेंज हो चुका है। इसी तरह से आप लोग फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको फॉन्ट को चेंज करना बताया है। उसके बाद जो ये फॉन्ट 1 है, यानी कि फॉन्ट का पार्ट 1 है, फॉन्ट के पार्ट 2 आएगा इसके बाद के वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ किस तरह से फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, फोटो में किस तरह से बैकग्राउंड कलर ला सकते हैं, किस तरह से उसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, उसमें फॉन्ट की साइज किस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, यानी कि फॉन्ट पार्ट 2 में। ओके, सो वीडियो कैसा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है अच्छा सा, एंड देन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.